संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद जनपद के भगतपुर थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक के घर वालों ने मानपुर निवासी युवक पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों के अनुसार गाँव पाडली बाजे निवासी राकेश गुप्ता को शाम 7 बजे एक युवक अपनी बाइक पर बैठा कर ले गया था। उसके 2 घंटे बाद गाँव के युवक ने बताया कि गाँव से 300 मीटर दूर जंगल में राजेश गुप्ता बेहोश पड़े हुए हैं। तभी परिजन वहां पहुंचे और आनन फानन में पास ही के निजी अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के भाई पप्पू गुप्ता ने बताया कि एक युवक शाम को इन्हें घर से बुलाकर अपने साथ ले गया था। मृतक के भाई ने बताया कि आने वाली 25 तारीख को मृतक की बेटी की बारात आनी है। शादी की तैयारियां जोरों से चल रही थी, जो कि सारी खुशियां आज मातम में बदल गई। थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अगली कार्यवाही की जाएगी। क्या नाम आपका? सुनीता देवी। सुनीता जी, क्या हुआ था यहाँ पे? मैं रानबेवा औरत हूँ और मेरा एक लड़का है जो फैक्ट्री में काम करता है, एक मेरी बहू है। और मैं पहले शराब बनाती थी, मैंने बंद कर दी। मेरा फैक्ट्री में बच्चा काम करता है। मेरे घर में पुलिस आई और मेरी सारी तोड़ फोड़ कर गई, सब नुकसान कर गई। और एक जोड़ी बुंदे और मंगलसूत्र का थट्टा वो ले गया दसपाल। और सर मेरा दूध बच्चों का फेंक गए, खाना भी फेंक गए। पुलिस में मैं तो जानती नहीं, मेरा भाई खत्म हो गया। मैं खाना देने गई थी उनके घर पे, मुझे तो पता नहीं, दसपाल का नाम बता रहे हैं। दसपाल सबसे पहले आया, वो पर्स ले गया है, बुंदे ले गया और मंगलसूत्र का छत्ता ले गया, सिपाही चौकी का। जी सर, ये पुलिस वालों ने करी है, मेरे को पता नहीं। मैं खाना देने गई थी, मेरा भाई गुजर गया विजयपाल, वहां पे खाना देने गई थी बना के। और सर मेरे घर का पूरे तोड़ फोड़, शीशे टीवी सब तोड़ ताड़ गए हैं। मेरे जिसमें की आदमी का फोटो भी तोड़ गए हैं, पूरे पलंग अलमारियां सब तोड़ गए, पलंग के कपड़े फैला गए, दोनों अलमारियां तोड़ दी और रसोई का सामान फेंक दिया, दूध फेंक दिया, मेरा बना हुआ खाना फेंक दिया सर। कपड़े उपड़े जितने भी सब फैला दिए और मेरे कपड़े भी जला दिए। क्या नाम है? मेरा नाम सुधा देवी है। हमारे घर पे पुलिस वाले आए थे तो उन्होंने घर में कुछ तोड़ फोड़ कर दी, पलंग के कपड़े वगैरह फेंक दिया, फैला दिया, शीशा उसा LCD ये सब तोड़ दिया, कपड़े जला दिए और कुछ घर के बहुत सारे नुकसान कर दिए। कि मतलब ऐसा बोलते हैं ये लोग कि कान कुछ, मतलब तुम कुछ बेचते हो, अगर हम बेचते भी हैं, अगर हम कुछ कर भी रहे हैं तो हमारे घर का नुकसान करने का क्या मतलब है। मुजरिम को पकड़ो, जो कर रहा है उसे पकड़ो, हमारे घर का नुकसान करके क्या मिलेगा उनको। घर में शीशा वगैरह ये सब तोड़ गए, हमारे घर का नुकसान कर दिया सारा। अब हमारे घर में बच्चे हैं छोटे छोटे, सारा सामान खाना दूध वो सब फेंक गए, बच्चे रो रहे हैं, सारा नुकसान कर गए घर का। पुलिस वाले कर गए चौक, यशपाल सिपाही, उन्होंने घर का सारा नुकसान कर दिया, अलमारी वलमारी सब तोड़ दिया, घर में बहुत नुकसान कर दिया है। जैसे कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा है कि मतलब घर में सही से हम रह सके। कपड़े भी कुछ थे सब जला गए हैं, घर में सब नुकसान कर गए हैं, कपड़े उपड़े सब फैला गए हैं। मेरे कान की बाली रखी थी और मंगलसूत्र रखा था, वो भी ले गए, सब ले गए, कुछ भी नहीं है घर में। ऐसे शीशा वगैरह सब तोड़ गए घर का, बहुत नुकसान कर दिया है। हाँ, ये गुंडा राज ही है। जब हम कुछ कर नहीं रहे हैं, कर भी रहे हैं तो हमारा इन कानून का क्या काम है कि जो कर रहा है उसे ले जाओ, मुजरिम को पकड़ो। घर का ऐसा ये सब तोड़ो मत, ऐसा घर का ये सब तोड़ के, ये गुंडा राज ही है पुलिस का। पुलिस जो चाहेगी वो कर लेगी फिर तो, जब हम अगर कर भी रहे तो मुजरिम को ले जाओ। हाँ, पर घर में ऐसे तोड़ फोड़ करना ये पुलिस का गुंडा राजी है।